दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक लाया है होम लोन टेकओवर स्कीम के तहत आम आदमी के लिए तोहफा। इसके अंतर्गत जो होम लोन किसी दूसरे बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था से लिया हुआ है, उसे सिंडिकेट बैंक द्वारा 8.15% ऑनवर्ड प्रति वर्ष पर किसी भी राशि के लिए बिना किसी प्रोसेसिंग फीस एवं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के होम लोन दिया जाता है। इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। इस मौके का जल्द से जल्द लाभ उठाएं। शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने आज फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हुए खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और मेजर ध्यानचंद का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनकी स्टिक ने दुनिया को मुग्ध कर दिया। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया को लोगों से जन आंदोलन बनाने की अपील की और आपको बता दें कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के संबोधन खेल दिवस के अवसर पर देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर से 35A और 370 हटाए जाने के बाद सामान्य स्थिति को देखते हुए अब प्रशासन ने यहां लगे पाबंदियों में ढील देते हुए 5 जिले किश्तवाड़, रामबन, डोडा, राजौरी और पुंछ में मोबाइल कॉलिंग पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने लेह में 26वें किसान जवान विज्ञान मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर कब पाकिस्तान का था जो उसको लेकर रोते रहते हो। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह उनका पहला दौरा है जिसे कई मायने में काफी अहम माना जा रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करने के लिए जॉन कनेक्ट नाम की एक पुस्तक जारी की गई है जिससे नरेंद्र मोदी सरकार के 75 दिन उपलब्धियों को दर्शाया गया है उस पुस्तक को जारी करते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार के संकल्प ने स्पीड ब्रेकर मानी जाने वाली राज्यसभा को हाईवे बना दिया है। आगे उन्होंने कहा है कि सरकार ने संसद के पहले ही सत्र में रिकॉर्ड 38 बिल पास कराए हैं। विधानसभा और विधान परिषदों में सदन की कार्यवाही बाधित होने से रोकने के लिए सर्वसम्मत आचार संहिता तैयार की जाएगी। इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की अध्यक्षता में देश के 30 राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें आचार संहिता बनाने के लिए स्पीकरों की समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप, गुजरात, कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद सफाई दी है। दरअसल केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामचंद्रन ने थरूर को भेजे ईमेल में कहा था कि मोदी सरकार सभी मोर्चों पर असफल है। यहां तक कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी कहा है कि देश आजादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी से जुड़े ईडी केस में पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज 11:30 बजे अपना पक्ष जारी रखेंगे। आपको बता दें कि तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सील कवर में रिपोर्ट देते हुए कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग कभी भी हीट ऑफ द मूवमेंट में नहीं होती। पेट्रोल डीजल के दाम में 3 दिन स्थिरता के बाद गुरुवार को तेल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। आज पेट्रोल की कीमतों में 6 पैसे और डीजल की कीमतों में 5 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पुलिस की वर्दी में एक आईपीएस अधिकारी द्वारा उनका पैर छूने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक नई उलझन में फंस गई है। बताया जा रहा है कि 4-5 अधिकारियों के बीच एक बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। इसी कार्यक्रम में केक कटिंग सेरेमनी के बाद आईपीएस अधिकारी ने राज्य की मुखिया ममता बनर्जी के पैर छू लिए। राज्यसभा के सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर देता है तो भारत को कराची बंदरगाह जाने वाले समुद्री जहाजों को भी अरब सागर से नहीं गुजरने देना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने भारत के लिए अपने देश के हवाई क्षेत्र बंद करने का संकेत देते हुए ट्वीट किया था।
केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति ईरानी ने आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है और यह भारत का दुर्भाग्य है कि यहां एक ऐसा नेता भी है जो दुश्मन देश को ज्यादा भाता है। राहुल जी अलगाववाद की आग न लगाएं तो देश के लिए बेहतर होगा। असम के NRC मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि NRC मुद्दे पर अमित शाह को बचना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि शाह ने कहा था कि 40 लाख लोग जो NRC की सूची से बाहर हैं और उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। लेखिका अनुरुद्धि रॉय ने 2011 में भारतीय सेना को लेकर की गई अपनी एक टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। करीब 9 साल पुरानी उनकी एक टिप्पणी का वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर तैरने लगा था और लोग उन पर निशाना साध रहे थे। आपको बता दें कि अनुरुद्धि ने अपने बयान में कहा था कि जिंदगी में सबसे कुछ न कुछ गलती हो जाती है और मुझसे भी हुई है। यदि मेरे बयान के किसी भी हिस्से से किसी भी तरह का भ्रम हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। BSP चीफ मायावती ने नेहरू और कांग्रेस को बताया कश्मीर समस्या की जड़। मायावती ने कश्मीर मसले पर बयान देते हुए कहा कि इस समस्या की जड़ सिर्फ कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले के बाद एक बार फिर समर्थन करते हुए उन्होंने विपक्षी नेताओं के दौरे पर भी सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को दी नसीहत, बोले कि मंत्रालयों में अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति नहीं करें। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी मंत्री परिषद के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे ऐसे दावे करें जो स्थापित हो सके और मंत्रालयों में सलाहकारों की भूमिका में अपने रिश्तेदारों को नियुक्त न करें। डेंगू और चिकनगुनिया का सफाया करने के लिए दिल्ली सरकार 1 सितंबर से अभियान चलाएगी। इस अभियान का मकसद इस साल डेंगू के मामले को और भी कम करना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस महाअभियान की थीम है 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट। 1 सितंबर से 10 हफ्ते तक हर रविवार को 10 बजे 10 मिनट पर हर दिल्लीवासी को अपने घर की जांच करनी है कि कहीं डेंगू के मच्छर तो उनके घर में नहीं पनप रहे हैं। कश्मीर पर भारत के फैसले के बाद एक तरफ पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री तक की बिजली कट सकती है। जी हां, आपको बता दें कि दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की स्थिति कितनी गंभीर है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि बिल नहीं चुकाने की वजह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सचिवालय की बिजली काटे जाने की नौबत आ गई है। एयर स्पेस बंद करने पर बोला पाकिस्तान, भारत को लेकर अभी तक नहीं लिया गया कोई भी फैसला। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस बंद कर दिए जाने की अटकलों के बीच एक बयान जारी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस पर फैसला उचित विचार विमर्श के बाद, हर कदम पर विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। इस पर PM इमरान खान ही अंतिम फैसला लेंगे। जम्मू कश्मीर में जारी तमाम प्रतिबंधों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने CPI के महासचिव सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है। आज येचुरी श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कोर्ट से अपने विधायक और दोस्त MY तिरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे लेकिन इस दौरान आप और कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट।